नमस्कार दोस्तों, फोन प्लस की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी टैब ए सेवन लाइट का। टैब ए सेवन लाइट फिलहाल बिल्कुल नया मॉडल है, अभी अभी मार्केट में आया है टैब ए सेवन लाइट। तो ये क्यों लॉन्च हुआ है? क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे काम जो हैं वो टैब में हो रहे हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग हो रहे हैं, सब कुछ टैब प्रिफर कर रहे हैं टैब को, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले है, मोबाइल में तो थोड़ा छोटा दिखता है, तो ये बड़ा डिस्प्ले को प्रीफर कर रहे हैं। तब इसलिए कंपनी ने बिल्कुल नया अभी एक लॉन्च किया, दो तीन मॉडल लॉन्च हुआ है, ये उसका एक मॉडल है टैब ए सेवन लाइट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसे कि बॉक्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल एक नया डिज़ाइन है सैमसंग का, कोई भी इससे पहले जो टैब था इस तरह का डिज़ाइन नहीं था। यहाँ पे एक गैलेक्सी टैब बड़े बड़े अक्षर में लिखा गया है और गैलेक्सी टैब ए सेवन लाइट यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे भी गैलेक्सी टैब ए सेवन लाइट, और यहाँ पे सैमसंग का लोगो है। और कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पे बॉक्स पे मेंशन नहीं किया गया है। एमआरपी इसका है 17,500, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस है 14,990, मतलब 15,000 रुपये इसका प्राइस है। मेरे पास जो कलर है सिल्वर, इसका एक और कलर था ग्रे और सिल्वर, दो कलर अभी तक मैंने इसका देखा है, तो मैंने सोचा मैं सिल्वर ही ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इसको फिलहाल अभी साइड में रखते हैं। इसके अंदर और बॉक्स में क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। ये कुछ पेपर्स हैं, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड, एक तो मैं भी साइड में रखते हैं। और ये है चार्जर, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी फास्ट चार्जर यहाँ पे नहीं दिया गया है। आगे हम चेक करेंगे कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। और ये एक डेटा केबल टाइप सी है, तो मेरे ख्याल से इसमें सपोर्ट होना चाहिए फास्ट चार्जिंग का। और इधर एक सिम इजेक्टर पिन आपको साथ में मिलता है, और कुछ ये बॉक्स में नहीं है, इतना ही है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम टैब को भी निकाल के देख सकते हैं, देख लेते हैं टैब ए सेवन लाइट जो है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि A8 पहले था, उसके बाद A7 क्यों आया, वो तो मुझे भी पता ही नहीं A7 क्यों आया। और A7 एक और मॉडल था जो A7 LTE था, वो 22,000 प्राइस में थोड़ा बड़ा डिस्प्ले था 10 इंच का, लेकिन ये है टैब A7 लाइट, ठीक है। उसका लाइट वर्सन जो 22,000 वाला है उसका लाइट वर्सन है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही क्यूट और स्लिम है। और पीछे का डिज़ाइन है बिल्कुल मेटल जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन ये प्लास्टिक है मेटल फिनिश में। और इधर पे देख सकते हैं आप टाइप सी का USB पोर्ट है, माइक है, 3.5 mm का जैक है, यहाँ पे स्पीकर है, और इधर यहाँ पे भी शायद एक माइक है, यहाँ पे एक और होल मुझे दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, पावर बटन है, ओ माय गॉड, यहाँ पे एक और स्पीकर है। तो मेरे ख्याल से ये डॉल्बी साउंड आप डायरेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिम ट्रे है, तो यहाँ पे कोई बटन नहीं है, डायरेक्ट टच में ऑपरेट होगा सब कुछ। तो हम सिम ट्रे को निकाल के थोड़ा देख लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। फाइनली हमारा जो टैब A7 लाइट है वो ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आप डिस्प्ले देख सकते हैं, डिस्प्ले मुझे पहले वाले से काफ़ी बड़ा लग रहा है, क्योंकि पहले का जो डिस्प्ले था वो 8 इंच का था, और यहाँ पे आपको 8.7 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, और सेम साइज़ बिल्कुल सेम है, लेकिन डिस्प्ले बड़ा है और बेजल जो है वो छोटा किया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपको बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। और बाकी सब कुछ हम चेक करते हैं। देखिए, हमारा जो खासियत है ये है कि हम ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते, हम बिल्कुल आपको सामने चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए हम सेटिंग में जाके मैं आपको डिटेल में चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या डिटेल फीचर्स आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रैम और मेमोरी वगैरह हम चेक करेंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ता है डिवाइस केयर में, और यहाँ पे मेमोरी चेक कर लेते हैं, रैम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 GB का रैम मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। टैब जो है 15,000 के रेंज में
अभी कोई अच्छा टैब 3 GB रैम में नहीं था, लेकिन ये आपको मिल गया है। और स्टोरेज है 32 GB, और यहाँ पे आप 1 TB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, 1 TB तक आप लगा सकते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं, स्टोरेज हो गया, बैटरी छोटी बैटरी तो आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा, बैटरी के लिए अलग से आपको डिवाइस प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे दे दिया है मैकेफे का, तो ये सारे सैमसंग के सारे फ़ोन और टैब में मिलता है। और अब हम अबाउट डिवाइस में चलते हैं, यहाँ पे आपको बैटरी का डिटेल मिल जाएगा। तो बैटरी आप देख सकते हैं 5100 mAh का है, बिल्कुल सेम है, पहले भी यही था 5100 mAh, जो टैब A8 था। और एंड्रॉयड 11 आपको यहाँ पे दिया गया है, ये एक अच्छी बात है, OneUI कोर के साथ एंड्रॉयड 11 आपको मिलता है, बिल्कुल लेटेस्ट है। OneUI 3.1 भी है, तो सारा कुछ जो है बिल्कुल लेटेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। और मेन जो चीज़ है, प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया गया, चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे CPU Z इंस्टॉल कर दिया है, तो प्रोसेसर आप देख सकते हैं 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा स्पीड आपको मिलेगा। यहाँ पे 2.3 GHz का ऑक्टा कोर, यहाँ पे MediaTek का चिपसेट यूज़ किया गया, MT8768, मतलब ये MediaTek का हीलियो P22 का है। और दोस्तों बात करें इस फ़ोन के कैमरे की, तो यहाँ पे आपको रियर कैमरा जो मिलता है वो है 8 MP का, और फ्रंट कैमरा जो है वो 2 MP का है। मेरे हिसाब से फ्रंट कैमरा 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रंट कैमरा है 2 MP, रियर कैमरा है 8 MP, लेकिन पिक्चर क्वालिटी अच्छा आता है इसमें, कोई इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं कि सैमसंग के जो कैमरे होते हैं उसका जो पिक्चर क्वालिटी होता है रियल होता है और अच्छा होता है, दोनों में पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया है 2x जूम के लिए, लेकिन ऑप्टिकल नहीं, डिजिटल जूम है, एक ही कैमरा दिया गया है। और मोड में यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि पैनोरामा प्रो, फूड मोड और हाइपरलैप्स आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग है वो सपोर्ट करता है या नहीं करता है। मेरे पास अभी फ़िलहाल 15 वाट का कोई चार्जर नहीं है, और मेरे पास 25 वाट का चार्जर, यही मैं आपको प्लग करके दिखा रहा हूँ, ये सपोर्ट करता है या तो सपोर्ट करता है कितना चार्ज होता है, कितना स्पीड में होता है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो सपोर्ट तो किया, और यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, ये एक अच्छी बात है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और 25 वाट का चार्जर भी सपोर्ट कर, लेकिन फास्ट चार्जिंग है, सुपर फास्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन मेरा जो चार्जर है वो सुपर फास्ट है, कुछ दूसरे फोन में मैं सपोर्ट वाला लगाऊंगा तो सुपर फास्ट चार्जिंग लिखता है। तो यहाँ पे आपको 15 वाट तक का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, डॉल्बी एटमोस आप यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो चलिए ओ ये एक अच्छी बात है, देखिए डॉल्बी एटमॉस ऑन हो गया, दोनों स्पीकर एक साथ आप डायरेक्ट ऐसे प्ले कर सकते हैं। तो चलिए एक थोड़ा एक वीडियो मैं डाल के प्ले करके दिखाता हूँ आपको, तो वीडियो का क्वालिटी आप देख सकते हैं, व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हालांकि ये LCD है, सुपर एमोलेड नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा कलर और काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस आपके मिल रहा है। पुराने वाले टैब से मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही अच्छा इसका ब्राइटनेस लेवल है, क्योंकि मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, हालांकि इस यहाँ पे इस फोन इस टैब से रिकॉर्डिंग वाला नहीं है, दूसरे से रिकॉर्डिंग किया गया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ कि इसका कलर आप देख सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह, मैं यहाँ पे फुल ब्राइटनेस और फुल साउंड में आपको प्ले कर रहा हूँ, देखिए ये ब्राइटनेस लेवल है, लो ब्राइटनेस से भी काफ़ी अच्छा आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, अगर आप फुल करते तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है, देखिए। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले में कोई भी कंप्लेन यहाँ पे नहीं है, आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह आप देख सकते हैं, वेब सीरीज देखते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, आप पूरा HD में आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। और थोड़ा सा साउंड भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि डॉल्बी है तो डॉल्बी मैं ऑन कर दिया हूँ, तो हालांकि मेरे पास डॉल्बी वाला कोई साउंड नहीं है, मेरा ही एक इंट्रो है, मैं इसको ही प्ले कर रहा हूँ। साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, डॉल्बी में आप डायरेक्ट मूवी वगैरह देख सकते हैं, गेमिंग भी चाहे तो छोटा मोटा कर सकते हैं, P22 में गेमिंग अच्छा खासा चल जाता है, लेकिन बहुत ही हीवी गेमिंग आप नहीं कर सकते, 3 GB का रैम है, तो मेरे ख्याल से एक बजट प्राइस में एक अच्छा टैब है, टैब A7 Lite, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। बहुत सारे फीचर होते हैं सैमसंग के टैब्स में जो कि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, अगर आप
कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।